चाईबासा में नक्सली विस्फोट में एक जवान शहीद हो गया है। इस संबंध में बोलते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उस जगह पर नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि वहां ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना 3-4 दिन पहले हुई थी। हमारे जवान और सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों के समूल नाश के अंतिम चरण में आ गए हैं। यह कई वर्षों तक नक्सलियों का गढ़ था। हम उस गढ़ को पूरी तरह से नष्ट करने में सफल हुए हैं। सैनिक शहीद होते हैं, इससे दुख होता है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे जवानों पर गर्व है। देखिए, वहाँ ऑपरेशन चल रहा है और तीन चार दिन पहले भी एक घटना घटी और उससे पहले भी घटना घटी है और अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है और हमारे जवान और सीआरपीएफ के जवान वहाँ पर नक्सलियों के सफाए के अंतिम चरण पर है और जो एक बरसों से चली आ रही वहाँ पर नक्सलियों का जो एक गढ़ था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। जवान शहीद होते हैं, दुख की तो बात है ही, लेकिन इन जवानों पर हमें गर्व भी है कि इनके वजह से हम सुरक्षित हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।